गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आज क्लास थर्ड है बर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि फसलों को जो उगाई जाती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी प्रैक्टिस सेकंड थी उसमें हमने ये जाना था कि सेकंड प्रैक्टिस की जो जानवर होते हैं उनकी खाने की जो हैबिट क्या होती है उसके बारे में अध्ययन किया था। और जो प्रैक्टिस फर्स्ट थी उसमें हमने जितनी भी डेथ होती हैं, जो मृत होती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो दोस्तों, मैं आपको यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, तो जिससे आप मेरी प्रत्येक वीडियो को देख सकें। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी बुक मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज से पढ़ा रहा हूँ। और प्रत्येक बुक को मैं आपको एक ट्रिक के जरिए पढ़ा रहा हूँ, सबसे रिलेटेड करके पढ़ा रहा हूँ, ना कोई सिर्फ आपको एक दो वर्ड याद करना है, बुक अपने आप याद हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अध्ययन करते हैं। तो पहले जो है यहाँ पर, तो दोस्तों फर्स्ट वर्ड मैंने हमारा बात कर रही है की जा रही है फ्लोरीकल्चर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लोरीकल्चर मिस होता है, फ्लोरी रिलेटेड है फ्लावर से, किससे रिलेटेड है, फ्लावर से, फ्लावर, ठीक है, जो फ्लोरी हमारा रिलेटेड हुआ है फ्लावर से, ठीक दोस्तों। फ्लावर आपको पता ही होगा, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता दूँ कि जो फ्लोरिस्ट होता है दोस्तों, क्या होता है, फ्लोरिस्ट, ठीक दोस्तों, फ्लोरिस्ट जो हो, फ्लोरिस्ट वह व्यक्ति होता है, ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, जो व्यक्ति फूल बेचता है, अर्थात फूल बेचने वाला, उसे हम फ्लोरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लावरिस्ट कहते हैं। और फ्लावर होता है फूल होता है, फ्लावर क्या होता है, फूल होता है। एक यहाँ पर और होता है, इसे ही फ्लावरिस्ट को हम कह सकते हैं फूलों की दुकान, क्या कह सकते हैं दोस्तों, फूलों की दुकान, ठीक दोस्तों, फूलों की दुकान। एक दोस्त होता है फ्लोरेट, फ्लोरेट क्या होता है दोस्तों, फ्लोरेट, फ्लोरेट, ठीक, ये चमक से रिलेट होता है, किसी एक्टिविटी ऑफ द एंग्री जिस होता है, ठीक दोस्तों। तो आपको पहला क्लियर हो गया, पहला क्या है, फ्लोरीकल्चर, तो ग्रोविंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खेती हम कह सकते हैं फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती। अगर आपसे कहता है कि ग्रोविंग ऑफ फ्लावर्स इट्स कॉल्ड, ग्रोविंग क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं फूलों की खेती। एयरबोरीकल्चर, एयरबोरीकल्चर, तो एयरबोरीकल्चर क्या होता है, ग्रोविंग ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स, जहाँ पेड़ों को उगाया जाता हो, जहाँ वृक्षों को उगाया जाता हो, तो वृक्ष विज्ञान। कल्चर का मतलब क्या है, साइंस, कल्चर का मतलब क्या है, साइंस, ठीक है, साइंस स्टडी, अध्ययन, ठीक। तो एयरबोरीकल्चर वृक्ष विज्ञान, ठीक। विटीकल्चर, विटीकल्चर, तो विटीकल्चर क्या होता है, ग्रोविंग और ग्राप्स, तो विटी का अर्थ क्या है, ग्राप्स, तो विटीकल्चर जहाँ अंगूरों को उगाया जाता था, अंगूरों की खेती, तो विटीकल्चर अंगूरों की खेती, ग्रोविंग ऑफ ग्राप्स अंगूरों की खेती। पाइसीकल्चर, 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 पाइसीकल्चर दोस्तों, पाइसीकल्चर, री का मतलब होता है दोस्तों पालन, क्या होता है, पालन, ठीक दोस्तों, पालन, री का अर्थ क्या होता है, पालन, तो री का अर्थ हो गया पालन। तो पाइसीकल्चर रियरिंग ऑफ फिश, मृच मछली पालन, पाइसीकल्चर मछली पालन, जहाँ मछलियों को पाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाइसीकल्चर, पाइसीकल्चर मछली पालन, ठीक है दोस्तों। आगे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, यहाँ सेरीकल्चर, सेरी का मतलब होता है रेशम, और कल्चर यहाँ पे एक अध्ययन है, तो सेरीकल्चर क्या हो गया, रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन। जैसे अगर आप कहें कि व्हाट इज़ कॉल्ड रियरिंग ऑफ
सिल्क वर्म रेशम पालन को क्या बोला जाता है? तो आप क्या कहेंगे? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम पालन। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वो क्या है? ग्रोविंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब ये होता है उद्यान, ठीक है, जहाँ पर फलों को और सब्जियों को उगाया जाता है, तो उसे बोलते हैं उद्यान विज्ञान। क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, जहाँ एक साथ फूलों को और हरी सब्जियों को उगाया जाता है, उसे हम हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। आगे दोस्तों, एपिकल्चर, एपिकल्चर रियरिंग ऑफ बीस मधुमक्खी पालन। आपने देखा होगा कि जब हमारे मस्टर्ड फील्ड होता है, सरसों के खेत होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर मक्खियों को पाला जाता है। क्या पाला जाए? फिर उनसे मक्खियों से प्रोड्यूस हनी किया जाता है, शहद बनाया जाता है मक्खियों से, वो मधुमक्खियों से, तो उसमें कहें एपिकल्चर मधुमक्खी पालन। रियरिंग ऑफ बीज मधुमक्खी पालन, एपिकल्चर मधुमक्खी पालन। एविकल्चर, तो एवी वर्ड होता है, अपेरी मधुमक्खी, एवरी पक्षी, तो रियरिंग ऑफ वर्ड, तो एविकल्चर हो गया हमारा पक्षी पालन। क्या हो जाएगा? पक्षी पालन। एरो, एरो कल्चर, एरो कल्चर रियरिंग ऑफ टोट्राइज कछुआ पालन, एरो कल्चर कछुआ पालन। मोरी कल्चर, मोरी कल्चर ग्रोविंग ऑफ मलबेरी ट्रीज, मलबेरी में होता है सहतूत का पेड़, याद कर लेना मलबेरी सहतूत का पेड़, तो मोरी कल्चर हो गया ग्रोविंग ऑफ मलबेरी ट्रीज, सहतूतों का, सहतूत के पेड़ों का रोपण, जहाँ सहतूत के पेड़ों को लगाया जाता हो, सहतूत के पेड़ों को जहाँ पर उगाया जाता हो, तो उसे हम कहें मोरी कल्चर, मोरी कल्चर। मैरी कल्चर, आगे दोस्तों हम देखो मैरी कल्चर, मैरी कल्चर होता है रियरिंग ऑफ द मैरिन एनिमल्स, रियरिंग ऑफ द मैरिन एनिमल्स। मैरिन में से होता है जहाँ पर समुद्री जीवों को पाला जाता हो, जहाँ पर समुद्री जीवों का पालन हो, तो मैरिन होता है समुद्री, ठीक है, तो मैरी कल्चर समुद्री जीवों का पालन। आगे ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड द स्प्रिट एंड ग्राउंड, जो सब्जियों को उगाई जाती है, जो सब्जी स्प्रिट होने वो जमीन पर फैलती हों, जो अपनी जैसे तुरई की बेल है, लौकी की बेल है, कि जो बेलें सब्जी की जो ज़मीन पर फैलती हों, उन्हें हम कहते हैं ओलेरी कल्चर सब्जियों, लता वाली खेती की सब्जी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दोबारा फिर फ्लोरी कल्चर फूलों की खेती, एरबोरी कल्चर्स जहाँ पर पेड़ों को वृक्षों को उगाया जाता हो, वृक्ष विज्ञान। विटीकल्चर जहाँ अंगूरों की खेती, पाइसी कल्चर मधुमक्खी मछली पालन, शहरी कल्चर रेशम उत्पादन करने वाला पालन, हॉर्टिकल्चर जहाँ फलों और हरी सब्जियों को उगाया जाता हो, तो उसे हम कहते हैं उद्यान पालन, उद्यान पालन। एपिकल्चर जहाँ मधुमक्खियों को मधुमक्खी पालन, एविकल्चर्स पक्षी पालन, एरोरिकल्चर कछुआ पालन, मोरी कल्चर जहाँ शहतूत के पेड़ों को, शहतूत के पेड़ों का अध्यापन, मैरी कल्चर जहाँ समुद्री जल जीवों को पालन, समुद्री जीवों का पालन, ओलेरी कल्चर्स ग्रोविंग इन द वेजिटेबल जहाँ हरी लता वाली सब्जी बेलों वाली जो ज़मीन पर उत्पन्न होती हैं उन सब्जियों को उगाए जाते हैं, वो उसे हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो सही लगे तो वीडियो को, ठीक दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक, शेयर करें, एंड दोस्तों एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों, थैंक्स वॉच वीडियो।